बरोट वैली। अगर हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन या वैली की बात हो और बरोट वैली का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड बरोट वैली का विकास अंग्रेजों द्वारा 1924 में शानन पावर प्रोजेक्ट के लिए किया गया था। बरोट वैली के बीचों बीच स्थित है बरोट विलेज, जिसके नाम पे बरोट वैली का नाम पड़ा। बरोट समुद्र तल यानी सी लेवल से 6000 फीट यानी 6000 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। बरोट उल नदी के किनारे बसा है और इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो कि देवदार के ट्रीज से ढके हुए हैं। और यही ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो कि देवदार के ट्रीज से ढके हैं, बरोट की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे बरोट वैली पहुंच सकते हैं, कहां कहां बरोट वैली में घूम सकते हैं, कहां रुक सकते हैं और कौन कौन से सीजन में बरोट वैली घूमने के लिए आ सकते हैं। आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आप बरोट वैली कैसे पहुंच सकते हैं। तो इस बात का अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है कि आप कौन से शहर से बरोट वैली आ रहे हैं। तो हम दिल्ली, चंडीगढ़ या पठानकोट को सेंटर पॉइंट मानकर चलते हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आप बाई बस बरोट वैली कैसे पहुंच सकते हैं। वैसे तो इन तीनों शहरों से ही बरोट वैली के लिए कोई डायरेक्ट बस अवेलेबल नहीं है, तो पहले आप इन शहरों से बस लेकर बिर पहुंच सकते हैं और उसके बाद वहां से लोकल बस या टैक्सी करके बरोट पहुंच सकते हैं। दिल्ली टू बिर करीबन 490 किलोमीटर है और दिल्ली टू बिर वॉल्वो बस 900 to 1200 रुपीज का चार्ज कर सकती है ऑफ सीजन में, वही 1200 to 1800 का चार्ज कर सकती है सीजन में। चंडीगढ़ टू बिर करीबन 260 किलोमीटर है और चंडीगढ़ टू बिर वॉल्वो बस करीबन 700 to 1000 रुपीज चार्ज कर सकती है ऑफ सीजन में एंड 1000 to 1500 रुपीज चार्ज कर सकती है सीजन में। बिर से बरोट करीबन 55 किलोमीटर दूर है और इस दूरी को तय करने में आपको 2.5 से 3 घंटे का समय लग सकता है। बिर पहुंचने के बाद आप लोहारडी जाने वाली लोकल बस ले सकते हैं जो कि आपको बरोट वैली तक ले जाती है। बिर से बरोट तक के लोकल बस में करीबन 80 to 100 रुपीज चार्ज लग सकते हैं। इसके अलावा आप दिल्ली, चंडीगढ़, पठानकोट या बिर से टैक्सी करके भी बरोट वैली के लिए निकल सकते हैं। पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टैक्सी करके ही बरोट वैली जाएं, क्योंकि बरोट एक छोटा विलेज है और यहां जाने के लिए बस के ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और जैसे तैसे अगर आप बरोट वैली पहुंच जाते हैं तो वहां आसपास घूमने के लिए आपको ज़्यादा टैक्सी ऑपरेटर्स नहीं मिलेंगे, तो इसलिए अपनी टैक्सी करके लेके जाएं, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अगर ट्रेन से बरोट पहुंचने की बात की जाए तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन पठानकोट और जोगिंदरनगर रेलवे स्टेशन है। पठानकोट रेलवे स्टेशन से बरोट करीबन 185 किलोमीटर दूर है, वहीं जोगिंदरनगर रेलवे स्टेशन से बरोट करीबन 32 किलोमीटर दूर है। आपके शहर से पठानकोट के लिए आसानी से ट्रेन मिल सकती है और पठानकोट से टैक्सी करके आप आसानी से बरोट वैली पहुंच सकते हैं। जोगिंदरनगर रेलवे स्टेशन की बात करूं तो आपके शहर से यहां तक के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलने वाली है। तो अगर आप जोगिंदरनगर रेलवे स्टेशन आने का प्लान कर रहे हैं तो बता दूं कि जोगिंदरनगर रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए आपको पठानकोट से एक अलग जर्नी करनी होगी और ये जर्नी होगी कांगड़ा वैली रेलवेज की, जिसको कांगड़ा टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि कांगड़ा वैली रेलवे की टिकट आप ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते हैं। तो जोगिंदरनगर रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए आपको पठानकोट रेलवे स्टेशन से ही टिकट बुक करनी पड़ती है। बात करें पठानकोट से जोगिंदरनगर रेलवे स्टेशन जाने की टाइमिंग की, तो एक ट्रेन सुबह 10:10 पे चलती है, वहीं दूसरी ट्रेन 2:05 पे चलती है। किराए की बात करें तो एडल्ट की टिकट अराउंड 75 रुपीज यानी 75 रुपए, वहीं चिल्ड्रन की टिकट अराउंड 40 रुपीज यानी 40 रुपए रहती है। तो अगर आप पठानकोट की बजाय जोगिंदरनगर आते हैं तो आप यहां से भी बरोट के लिए बस या टैक्सी करके निकल सकते हैं। बाय फ्लाइट से बरोट वैली पहुंचने की बात की जाए तो बरोट वैली के सबसे नजदीकी एयरपोर्ट कांगड़ा गग्गल एयरपोर्ट है, जो कि बरोट से करीबन 114 किलोमीटर यानी 114 किलोमीटर दूर है। तो आप कांगड़ा गग्गल एयरपोर्ट बाय फ्लाइट पहुंच सकते हैं और वहां से टैक्सी करके बरोट पहुंच सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रूट पर फ्लाइट थोड़ा सा कम ऑपरेट करती है, तो आपके शहर से इस एयरपोर्ट तक की फ्लाइट का टिकट थोड़ा सा महंगा रह सकता है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि आप बरोट वैली और उसके आसपास कहां कहां घूम सकते हैं। तो पूरे प्लान को हमने डेज के हिसाब से बांट दिया है, तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। डे वन, तो
तो इस दिन मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप आफ्टरनून तक बरोड पहुँच जाएंगे। तो आप इस डे में बरोड की कुछ लोकल साइट सीइंग कर सकते हैं, जैसे कि बरोड रिजर्वायर। जैसे ही आप बरोड पहुँचते हैं, आप बरोड के दो खूबसूरत रिजर्वायर को देख सकते हैं, जिनको कि ओहल रिवर के ऊपर डैम बना के पानी को इकट्ठा किया गया है। इन रिजर्वायर की खूबसूरती देखते ही बनती है। रिजर्वायर के ऊपर एक बहुत सुंदर ब्रिज भी बना हुआ है, जहाँ से खड़े होकर डैम से निकलते पानी को देखना बहुत ही ज्यादा शानदार लगता है। द फाउंटेन। इस फाउंटेन का निर्माण अंग्रेजों द्वारा शानन पावर प्रोजेक्ट के दौरान कराया गया था। ये फाउंटेन उल रिवर से कनेक्ट रिजर्वायर के साथ ही बना है, जिसमें से खुद ब खुद नेचुरली पानी निकलता रहता है। बरोड ग्राउंड। द फाउंटेन के नजदीक ही बरोड का खूबसूरत ग्राउंड मौजूद है, जो कि देवदार के घने पेड़ों से घिरा हुआ है। यकीन मानिए, यहाँ खड़े होकर आपको कुछ कुछ ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कि आप स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। यहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि इनको देखकर लगता है कि बरोड को खूबसूरती का वरदान मिला हुआ है। स्नोफॉल के दौरान जब बरोड का पूरा ग्राउंड स्नो से कवर हो जाता है और आसपास के पहाड़ और देवदार के वृक्ष पूरे बर्फ से कवर हो जाते हैं, तो यहाँ के नज़ारे देखने लायक होते हैं। इसी ग्राउंड में दुर्गा माता का एक टेंपल भी है, तो आप चाहे तो इस टेंपल में भी विजिट कर सकते हैं। इस ग्राउंड के आसपास कुछ लोग कैंपिंग करना भी पसंद करते हैं। बरोड झरवार रोड। बरोड से द फाउंटेन होते हुए, दुर्गा माता टेंपल होते हुए बरोड झरवार रोड के नज़ारे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि इस रोड के साइड ही एक तरफ उल रिवर है तो दूसरी तरफ देवदार के घने जंगल। यही रोड आपको जीरो पॉइंट भी लेकर जाती है। जीरो पॉइंट के नजदीक बने एक ब्रिज से उल रिवर के नज़ारे देखते ही बनते हैं। इस ब्रिज के साइड से आप उल रिवर के किनारे भी उतर सकते हैं और उल रिवर के किनारे काफी अच्छा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। जीरो पॉइंट। जीरो पॉइंट फेमस है हॉलेस ट्रॉली के लिए। जीरो पॉइंट पर अंग्रेजों द्वारा निर्मित एक पुलिंग मशीन लगी है, जो कि हॉलेस ट्रॉली को रोप्स पे खींचने के काम आती थी। ये है कुछ हॉलेस ट्रॉली, और इसके थ्रू जैसे मैं बता रहा था आपको कि विंच कैंप तक लोग जाते हैं। अभी बहुत संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि पटरियों पर हम चल रहे हैं, जिसके थ्रू ये पूरी ट्रॉली खींची जाती थी। पीछे आपको मैंने मशीन दिखाई, उस पर तारे लगी होती थी, ट्रॉली को खींचते थे, और अंग्रेजों ने बनाई थी सामान ढोने के लिए पहाड़ों में। तो बीच में दो तीन स्टॉपेज भी इसके आगे पड़ते हैं, मुझे नाम याद नहीं है, बट ये है कि अंग्रेजों की क्या कलाकारी थी यार। मतलब इतनी हाइट देख के कोई कैसे सोच सकता है कि यार इस पर ट्रॉली खींच सकती है, वो भी तारों के थ्रू, वो भी पटरी पे। तो ये आप देखोगे तो फुल स्टीप, फुल खड़ा रास्ता है, और इस पर कैसे ट्रॉली खींची जाती थी, कैसे ट्रॉली खींची जाती थी, वो मेरी समझ से बहुत ज़्यादा बाहर है। इसके अलावा आप बरोड के ट्राउट फिश फार्म में भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स और डिफरेंट डिफरेंट कैनल्स में ट्राउट फिश की फार्मिंग की जाती है। डे टू, लपास वाटरफॉल। तो डे टू की शुरुआत आप लपास वाटरफॉल के सफर से कर सकते हैं। ये वाटरफॉल बरोड से करीबन 7 से 8 किलोमीटर यानी 7 to 8 किलोमीटर दूर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि लपास वाटरफॉल के इस सफर के दौरान रोड की कंडीशन थोड़ी सी खराब है, तो आपको कुछ दूर पैदल चलना पड़ सकता है, कुछ ट्रैकिंग भी आपको करनी पड़ सकती है। चलने और ट्रैकिंग के दौरान आप थोड़ा सा थक सकते हैं, बट यकीन मानिए लपास वाटरफॉल पहुंचते ही आपकी सारी थकान दूर हो जाने वाली है, क्योंकि आप यहां पहुंचकर बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग फील करेंगे। वाटरफॉल का साउंड इतना अच्छा है कि आप घंटों बैठ के इसको सुन सकते हैं और वाटरफॉल के असीम नज़ारों को एंजॉय ले सकते हैं। नलहोटा, कोटिकोहर एंड बड़ा ग्रान। लपास वाटरफॉल के बाद आप नलहोटा, कोटिकोहर और बड़े ग्रान के खूबसूरत सफर पे निकल सकते हैं। वो कहते हैं ना कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, तो यह वाली बात इस सफर पे 100% अप्लाई होती है। तो इस सफर के दौरान आप पहाड़ों के इतने खूबसूरत नज़ारों से रूबरू होंगे, जिनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप चाहें तो डे टू में नलहोटा, कोटिकोहर या बड़े ग्रान या उसके आसपास बने होमस्टे में भी रुक सकते हैं। यहाँ रुककर आप हिमाचल के कल्चर को बहुत ही नज़दीक से जान सकते हैं। डे थ्री, अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं और कुछ एक्स्ट्रा डेज अपने प्लान में लेकर चल रहे हैं, तो आप विंच कैंप का ट्रैक भी कर सकते हैं। विंच कैंप सी लेवल से अराउंड 8000 फीट यानी 8000 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। यहाँ पहुँच के आप कैंपिंग कर सकते हैं, पूरे जोगिंदर नगर के नज़ारों को ऊपर से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से सनराइज और सनसेट के नज़ारे भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। अगर आपको ट्रैकिंग में इंटरेस्ट नहीं है या आपके पास डेज थोड़े से कम है, तो डे थ्री की मॉर्निंग में आप डायरेक्ट बरोड से बीर के लिए निकल सकते हैं। बीर पहुंचने के बाद आप बीर की कुछ लोकल साइट सीइंग भी कर सकते हैं, जैसे कि बीर लैंडिंग साइट, डियर पार्क इंस्टीट्यूट, ताशी जोंग मॉनेस्ट्री, चिकलिंग मॉनेस्ट्री, बीर टी फैक्ट्री और बैजनाथ टेम्पल। क्योंकि
क्योंकि ये वीडियो बरोट वैली के ऊपर आधारित है, इसलिए बिर्क की लोकल साइट सीइंग को हम किसी और वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बिर्क की साइट सीइंग करने के बाद आप शाम को यहाँ से दिल्ली या चंडीगढ़ के लिए वॉल्वो बस ले सकते हैं। बात करें अगर कौन सा मौसम बरोट घूमने के लिए बेस्ट है, तो गर्मियों में मिड अप्रैल टू मिड जुलाई एंड सर्दियों में नवम्बर से लेके दिसंबर तक। अगर आप स्नोफॉल के लुफ्त उठाने के लिए बरोट वैली आना चाहते हैं, तो आप दिसंबर एंड टू मिड फरवरी के आसपास बरोट आ सकते हैं। जुलाई टू सितंबर तक के टाइम में मैं बरोट वैली आपको आने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये टाइम मॉनसून का टाइम होता है और यहाँ पे काफी ज्यादा लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। बात करें अगर बरोट में स्टेइंग ऑप्शन की, तो यहाँ आपको बड़े बड़े होटल्स में स्टे करने के लिए नहीं मिलने वाला है। यहाँ आप रिवर साइड कैंप्स, जंगल कैंप और होम स्टे में रुक सकते हैं। यहाँ काफी सारे होम स्टे अवेलेबल है जो कि आपको ऑनलाइन देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप बरोट वैली पहुंचकर भी उनको बुक कर सकते हैं। कैंपिंग की बात अगर की जाए, तो कैंप्स वाले स्विस कैंप के अराउंड 1500 टू 2000 रुपीस यानी 1500 से 2000 रुपीस तक चार्ज कर सकते हैं। वहीं होमस्टे की बात अगर की जाए, तो एक होमस्टे यहाँ पे अराउंड 1000 टू 1500 रुपीस यानी 1000 से 1500 रुपीस चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप बरोट वैली में खुद का पर्सनल कैंप लगा के कैंपिंग भी कर सकते हैं। हमने भी यहाँ रिवर साइड कैंपिंग की थी और कैंपिंग के दौरान रात को मैगी पका के खाई थी। खुद की कैंपिंग करने का जो आनंद है वो एक अलग ही लेवल का है। बट ध्यान देने वाली बात ये है कि जहाँ भी आप कैंपिंग कर रहे हैं, ये ध्यान रखें कि वो किसी का पर्सनल लैंड या किसी का पर्सनल एरिया ना हो। तो होपफुली बरोट वैली के ऊपर बना ये ट्रेवल गाइड आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बरोट वैली, मनाली, शिमला या हिमाचल प्रदेश के अदर पार्ट्स का टूर पैकेज लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए मोबाइल नंबर या इंस्टा आईडी पे कॉन्टैक्ट करें।